डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, आपको यहां पर क्या किया गया है, एंड पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिए गए हैं। यहां पर आप देखेंगे तो दो एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको हीट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको समझ में आ रहा है कि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर को जो होता है रिलीज़ करके एनहाइड्राइड बनाते हैं। और अगर सिक्स मेंबर रिंग बन रही है तो भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो सिक्स की हो जाती है। चलो भाई देख लेते हैं कि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, चलो देखते हैं। तो ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो और ये मेरे पास हो गया OH, इसके बाद में आ गया ये CH2, तो भैया लगा दिया CH2, उसके बाद ये CH2, ठीक है भाई, इसके बाद CH2, हाँ, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर ये OH हो जाएगा। अब यहां से अगर हम वाटर निकाल दें तो वाटर निकालने के बाद जरा काउंट करो एटम कितने आ जाएंगे रिंग में, तो पहला एक आ जाएगा, एक के बाद वन के बाद टू आ जाएगा, 3, 4, 5, 6 भाई, ठीक है। वाटर यहां से निकल गया और ये निकल गया, सिक्स मेंबर रिंग बन गई, तो यहां पर ये जो होगा इस तरह से बन जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, इससे लग गया ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे जो है वो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये सिक्स मेंबर रिंग, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। बाकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये भी एनहाइड्राइड है बट ये फाइव मेंबर है, इसमें एक कार्बन कम हो गया, ठीक है ना। पहले सिक्स मेंबर बनता है, फिर उसके बाद अगर नहीं तो फाइव मेंबर भी बनता है,